दोस्तों, जहां सभी ने सोचा था कि रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ एक दो महीने चलेगी, आज रशिया यूक्रेन वॉर को पूरा एक साल हो गया है और इस कॉन्फ्लिक्ट से हम 5 मेजर लेसन्स ले सकते हैं। पहला, हमें डिफेंस में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा अगर ऐसी वॉर हमें फ्यूचर में लड़नी पड़ी तो। सेकंड, हमें लॉन्ग वॉर के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा और लॉन्ग वॉर में यूज होने वाले सप्लाईज, आर्म्स एंड लॉजिस्टिक्स के लिए भी। थर्ड, ये वॉर दिखाती है कि कन्वेंशनल आर्मी आज भी कितनी इम्पोर्टेंट है और वेल ट्रेन्ड इन्फेंट्री कितनी क्रूशल है। फोर्थ, हमें कन्वेंशनल तरीकों को हाईटेक मेथड्स के साथ यूज करना होगा, फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स और इन्फेंट्री को एक साथ डिप्लॉय करना। और लास्टली, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। जैसा कि यूक्रेन आज अपने इक्विपमेंट्स को रिपेयर करवाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, सो वॉर के केस में क्या हमें भी अपने रफेल्स या सुखोईस को रिपेयर के लिए फ्रांस और रशिया भेजना पड़ सकता है? तो दोस्तों, और क्या सीख हम इस वॉर से ले सकते हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।